तुम मुझसे हमदर्दी करने आए हो या मेरा तमाशा देखने आए हो? तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ताए सरकार बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकते? भाई कितना खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, पहले जैसे हालात नहीं है। अगर बाबा सरकार पहले मान जाते तो हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आता, हम दोनों साथ होते। तुम्हें पता है ना, मैं समरीन को जुबान दे चुकी हूँ, अब मिनल ही मेरी बहू बनेगी। तुम कोई टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। वजात में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे फैसले के सामने खड़ा हो, उसे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। लोग ठीक ही कहते हैं, मोहब्बत पागल होती है, कुछ भी नहीं देखती। इसीलिए शायद बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाती। मेरी बेटी अंबर ने भी तुमसे इसी तरह की मोहब्बत की। अब अगर हालात कुछ और होते तो मैं कभी तुम्हारी और अंबर की शादी पर राजी ना होता, अगर अब इसे मेरी मजबूरी समझो। मैं इस बात से तो इनकार नहीं करूंगा कि मैंने अंबर से मोहब्बत की है, शायद मैं उसे पसंद भी करता हूं, मगर मैं अंबर से शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कुछ कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। यही आपके लिए, मेरे लिए और अंबर के लिए बेहतर रहेगा। मैं एक लड़की के खातिर अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता। मेरी माँ ने बड़े मान के साथ मेरा रिश्ता मिनल से तय किया है, मैं उनका मान नहीं तोड़ सकता। बस इतना ही बताने आपको आया था। रुको, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या मेरी बेटी को? पहले अंबर के साथ तुमने मोहब्बत का ढोंग रचाया और अब मेरी भतीजी के साथ शादी का खेल खेलना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं। अच्छी तरह जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे लड़कों को। दोनों हाथों से दौलत समेटना चाहते हो, रातों रात अमीर बनना चाहते हो। प्लीज, अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह का दिया वह सब कुछ है मेरे पास और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। अगर आप चाहें तो अपनी भतीजी को खाली हाथ रुखसत कर दीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके तुमने अंबर को बेवकूफ बनाया, क्योंकि बातें करने का हुनर तो तुम खूब जानते हो। जब ही तो तुमने समरीन जैसी चालाक बस को enough is enough। अब मुझ में आपकी बात सुनने की और ताकत नहीं है। आप मेरे बड़े हैं, इसीलिए आपका एहतराम कर रहा हूं। तो इस एहतराम को इज्जत और एहतराम ही रहने दीजिए तो अच्छा होगा। तुमने अच्छा नहीं किया लड़के, अपने साथ
बीबी जान, शायद सरकार आ गए क्या? हाँ बालाज आ तो गए लेकिन बहुत गुस्से में है। तुम्हें पहले से पता लग गया है? क्या क्या कह रहे हो, किस बात का पता लग गया? नहीं कुछ नहीं बीबी जान, वो इलेक्शन सर पर है ना तो परेशान है, मैं मिल लेता हूँ जाकर। सरकार कोई अच्छी खबर नहीं है, आपको तो पता लग ही गया होगा। कोई और बुरी खबर रह गई है तो वो भी सुना दो। मुखालफीन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी है, इलेक्शन मुश्किल लग रहा है मुझे। हमने भी अपनी मुहिम शुरू कर दी है, लोगों को कायल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, सड़कें बनाने के वादे भी किए हैं, कल से काम भी शुरू हो जाएगा ताकि उनको ये ना लगे कि हम सिर्फ दावे ही कर रहे हैं। पक्की सड़क बनाने से मिल जाएंगे वोट? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों की हमदर्दियां हमें मिले। मिलेंगी, हमदर्दियां भी मिलेंगी और लोगों के वोट भी हमें मिलेंगे। अगर हमारा अपना कोई मारा जाए तो इसका इल्जाम मुखालिफ पार्टी के सर जाएगा, हमें फायदा होगा, लोगों की हमदर्दियां मिलेंगी हमें और वोट भी। ये क्या कह रहे हैं आप सरकार? कौन कौन अपना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस घर का होने वाला दामाद फाइक। पता है लिपस्टिक का शेड ना बहुत अच्छा है, मैंने आई, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या हो? आपी? क्या हो गया आपको? मैं कब से आपसे बात कर रही हूं, क्या सोच रही हैं आप? ये फाइक और अंबर के दरमियान कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो गई? मैंने इन्हें कई बार एक साथ बात करते हुए देखा। नहीं 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 आप ही, शायद आपको मालूम नहीं है, फाइक और अंबर एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे एक्चुअली, मुझे फाइक ने बताया, इसलिए उनकी जान पहचान ज्यादा है। सिर्फ जान पहचान पे कोई इस तरह बात नहीं करता। आप ही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही। मुझे कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हें नहीं ऐसा लगता जैसे इन दोनों के बीच कोई बात हो लेकिन ये हमसे छुपा रहे हो? अभी आप फाइक पे शक कर रही हैं? आप ही प्लीज मुझे सच सच बताएं, क्या सोच रही हैं मुझे आपने ऐसा कुछ देखा नहीं, है? नहीं, कुछ कुछ देखा नहीं है मैंने ऐसा। तो फिर देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम फाइक पे शक करो,
लेकिन इस तरह का अंधा एतमाद इंसान को अंधे कुएं में धकेल देता है। बेहतर यह है कि तुम ये सारी चीजें, ये सारी बातें फाइक से डिस्कस करो। या बीबी, वो बलाद साहब बुला रहे हैं आपको। आ रही हूं। अमजद खान यहाँ का एक बहुत बड़ा जमींदार है, इलाके में बड़ा असर रसूख है उसका, शहर में भी अपना काम है कपड़े का। उन्होंने अंबर के रिश्ते की बात की है अपने बड़े बेटे के लिए। मुझे ये रिश्ता पसंद है, मैंने हाँ कर दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है मलिक सरकार, हमारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने जा रहा है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। भाभा सरकार, आपने तो मुझसे कोई और वादा किया था, आपने तो कहा था फाइक को ही। फाइक को भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? भाभा सरकार, आपने मुझे जबान दी थी और आप जो कहते हैं वैसा ही होता है, आप अपने भादे से मुकर कैसे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भतीजी की मोहब्बत बेटी की मोहब्बत पे सबकत ले गई? अंबर, तुम्हारे बाबा सरकार ने जो फैसला किया सोच समझ के ही किया है। अंबर, बीबी जान, आप तो रहने ही थे, आप तो चाहती नहीं है कि आपकी बेटी को भी कोई खुशी मिले। अंबर, वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है वो। बाबा सरकार, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हो सकता है कि फाइक ने जो इनकार किया है उसने अपनी अम्मी की वजह से किया हो। आसफा आंटी ने उसे मेंटली टॉर्चर किया होगा इसलिए उसने इनकार कर दिया। हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। बाबा सरकार, अगर आप निधर और फाइक की मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दें तो मुझे यकीन है फाइक खुद आएगा मेरा हाथ मांगने और सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ उसे, आंखें खोल दो अपनी। वो लड़का मोहब्बत के नाम पर धोखा दे रहा है तुम्हें। बाबा, जान, आप समझाएं ना बाबा सरकार को, इतनी जल्दी क्या उन्हें फैसला करने की? रहने दो, थक गई हूं मैं तुम्हें समझा समझा के। इस घर में कभी किसी को मेरा एहसास नहीं होगा। क्यों बनाज, क्यों जाग रहे? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। क्या हुआ, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस एक बुरा ख्वाब था। सो जाओ सो जाओ। अच्छा सो जाओ, आ जाओ। अगर हमारा अपना कोई मारा जाए तो इसका इल्जाम मुखालिफ पार्टी के सर जाएगा। कौन अपना? किसके बारे में बात कर रहे हो?
इस घर का होने वाला दामाद फाइक। ये जो असाइनमेंट है इसको जल्द से जल्द फॉरवर्ड कीजिए। जी ठीक है। अच्छा, और ये जो हिस्ट्री रिपोर्ट्स हैं इस चीज के, वो मुझे भिजवाइए। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप भाई? मैं ठीक, तुम बताओ क्यों कॉल की? अच्छा, कहाँ है? ऑफिस में। और कहाँ? तो एक्चुअली मैं अम्मी की कुछ रिपोर्ट सुनने के लिए बाहर आई हुई थी। आई थिंक आपके ऑफिस के साइड ही हूँ, तो मैंने सोचा कि हम साथ लंच करें। गुड, ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आई। अल्लाह हाफिज। ओके। Yes. सर, आपसे मिलने कोई लड़की आई है? ओके, भेज दो। लगता है तुम बहुत करीब थी तभी। फाइक, तुमने वापस सरकार से इनकार क्यों किया? ये बात तुम फोन पर भी पूछ सकती थी। यहाँ ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद तुम्हारी आंखों में देखना चाहती थी कि क्या ये बात सच है। भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी नजरों को तुम धोखा नहीं दे सकते हो। बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? ये ऑफिस है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैं किस अजियत से गुजरी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मत, ये ऑफिस है मेरा, तुम्हारी आवाज बाहर भी जा सकती है। मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं शोर मत करूं? ओके, मैं आज तुमसे खुद मिलने आता। ठीक है, तुम घर आ जाना। घर क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे मिलने घर आ जाऊंगा। तुम प्लीज अभी यहां से जाओ। मैं इंतजार करूं। ये यहाँ क्या कर रहे थे? वो ऑफिस के पास से गुजर रही थी, तो बस यूं ही हाय हेलो कहने आ गई थी। अच्छा, तो मुझे देखकर फौरन चली क्यों गई यहाँ से? पता नहीं, वो बस फाइक, बहुत हो गया। कितना झूठ बोलेंगे आप? कितना झूठ बोलेंगे मुझसे? बता क्यों नहीं देते मुझे कि क्या रिश्ता है आपका अंबर से? प्लीज मिनहल, काम डाउन। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं?
धोखा दे रहा हूं, तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं? ऐसा हरगिज नहीं है मिनल, मैं तुमसे सिंसियर हूं क्योंकि तुम मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर हो। हम दोनों एक बहुत ही मुकद्दस और मजबूत रिश्ते में बनने वाले हैं। मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे अंबर के मुतालिक, हमेशा मुझसे झूठ बोलते आए और आज भी आप सच नहीं कह रहे हैं। तुम सुनना क्या चाहती हो? हकीकत, हकीकत सुनना चाहती हूँ मैं, जो आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं बताई। नहीं बताई ना? ठीक है, तो आप भी एक बात कान खोल के सुनिए। जब तक आप मुझे सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक ना ही मैं आपसे बात करूंगी और ना ही मिलूंगी। मिनल, मिनल मेरी बात तो, मिनल मलाल, ये वाला सूट पहनूं? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। हाँ हाँ, कुछ कह रही हो? पता है, मेरा दिल चाहता है मैं हर काम तुम्हारी मर्जी से करूं, तुम्हारी मर्जी के कपड़े पहनूं, तुम्हारी मर्जी का तैयार हूं और बस तुम मुझे देखते रहो। बालाज, बालाज कुछ पूछ रही हूं मैं। क्या बात है, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। हमने नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। तुम बताए, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसके बगैर कुछ कहे सब जान जाता है, उसकी खुशी, उसकी परेशानी। मैं कल से देख रही हूं तुम बहुत परेशान हो, खामोश खामोश से लग रहे हो। मुझे बताओ क्या बात है? और प्लीज अब ये मत कहना कि कोई बात नहीं है, मेरा वहम है। जैसे एक उलझन है, उसमें फंसा हुआ, इसीलिए परेशान। तुम दुआ करना कि मसला हल हो जाए। कैसी उलझन, कैसी परेशान, बताओ मुझे। नहीं, तुम नहीं जानती, जमीनों का मसला है बस, इसीलिए आजकल परेशान। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। अगर तुम कहो तो मैं बाबा से बात करती। नहीं नहीं, चाचू से बात नहीं करना इस बारे में, मैं देख लूंगा खुद। जैसे तुम्हारी मर्जी। एक चाय का कप मिलेगा? सर दर्द कर रहा। अभी चाय भी बना के लाती हूँ और फिर आके आपका सर भी दबा दूंगी। हाँ
आगे तुम, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हें यहाँ लास्ट टाइम वार्न करने आया हूँ, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, मैं पागल हो जाऊंगा। अंबर तुम ऑफिस क्यों आई? तुम्हें पता है तुम्हें वहां देख के मिनल क्या सोच रही है? तो क्या उसे पता चल गया होगा तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते? अरे भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। और तुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन अब मैं मिनल से शादी करना चाहता हूँ। हाँ। और उसके बाद हमारा जो भी रिश्ता होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिनल की वजह से होगा। तुम, मुझे पता है आसपा आंटी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो। फाइक, फाइक, मैं आंटी से माफी मांग लूंगी, उनके सामने हाथ जोड़ लूंगी, तुम देख लेना मुझे कबूल कर लेंगी। और रही बात पापा सरकार की, यकीन मानो मैं उन्हें भी मना लूंगी, हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। मैं तुम्हारे बाबा सरकार का कोई गुलाम नहीं हूं, कि वो जब चाहे जो बोले मैं वो करने पे पाबंद नहीं हूं। अरे तुमने तो अपने बाबा सरकार के लिए मुझे छोड़ दिया था। जितनी मोहब्बत तुम अपने बाबा सरकार से करते हो ना, उसी तरह मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। बदला ले रहे हो ना तुम उससे? मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले रहा हूं, डैम इट। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी जिंदगी में रहने दो। मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ तुम ही हो फाइक। ठीक है, तो फिर मैं खुद को ही खत्म कर लेता हूं। शायद इससे तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल जाए। अंबर ऐसा क्यों कह रहे हो फाइक? तो खुदा के वास्ते अंबर, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। ये ठीक नहीं होता है सरकार। ये सिर्फ खुदगर्जी है। फाइक इस घर का होने वाला दामाद है, मिनल का होने वाला शौहर है। हम सिर्फ अपने मुफाद के लिए फाइक का कत्ल कैसे कर सकते हैं? बात अब फायदे की नहीं, अब बात इज्जत की है, गैरत की है। तुम पूरी बात नहीं जानते। अगर फाइक की हकीकत जान जाओगे तो तुम भी वही करना चाहोगे जो मैं करना चाहता हूं। तो सुनो, फाइक इस घर की इज्जत से खेल रहा है। तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि फायक आया हुआ था। मुझसे क्यों मिलवाओगी उससे भला तुम? अब ऐसे ही होगा। फायक आए थे? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? फायक तुमसे नहीं मिला? अभी तो मैंने उसे गाड़ी में जाते देखा। अगर वो तुमसे भी नहीं मिला तो फिर वो यहाँ किससे मिलने आया था? अभी मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच ऐसा क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। मिनहल बताओ मुझे, कुछ पूछ रही हूँ ना, बताओ। मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं तो शायद फाइक को भी नहीं जानती। आप क्यों आए थे,
क्यों नहीं आए थे? किसने बुलाया था? मैं कुछ नहीं जानती। आप प्लीज ये सब कुछ फाइक से पूछे, मुझसे नहीं पूछे। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। बताओ मुझे क्या बात है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मिन्हल, क्या बात है? कुछ पूछ रही हूँ मैं। कोई लड़ाई हुई है तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा हुआ है? कुछ बताओ तो सही मुझे। क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे मिन्हल। मिन्हल, आप ही मैं नहीं जानती। मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। बल्कि अगर आपको कुछ पता चल जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। या तो उस हवेली के लोगों से पूछ लीजिए कि उनको कुछ पता है तो मुझे बता दें कि फाइक को हुआ क्या है। मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। रिलैक्स मिन्हल। क्या हो गया इस लड़की को? कभी इसने मुझसे ऐसे बात नहीं की। हो सकते हैं ताजान ने बुलाया हो फाइक को, कोई काम हो। मुझे पता करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है ताया सरकार? फाइक फाइक ऐसा लड़का नहीं है, वो सीधा सुलझा हुआ लड़का। मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सुनी सुनाई पर यकीन नहीं रखता, जब तक खुद तहकीक ना कर लूं मुझे कोई किसी बात का यकीन नहीं दिला सकता। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है ताया सरकार। गलत फहमी की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि अंबर ने खुद मुझे ये सब बताया। फायक उसे शादी के ख्वाब दिखा रहा है। अंबर ने खुद बताया आपको? हाँ, और ये सिलसिला कोई आजकल का नहीं, काफी अरसे से चल रहा है। पहले फायक ने अंबर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, फिर उसने जानबूझकर मिन्हल को पागल बनाकर उससे मंगनी की, और अब दोनों से खेल रहा है। मगर उसे ये बात नहीं पता कि हमारी इज्जत से खेलना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। अब बोलो, सारी बात सुनने के बाद फिर भी तुम ये कहोगे कि मैं फाइट से ज्यादती कर रहा हूं? नहीं बलाज, इस खानदान के मर्दों की गैरत अभी मरी नहीं है। हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिसने भी इस खानदान की इज्जत की तरफ आंख उठा के देखा उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। अपने बंदे तैयार करो, ये काम कल ही हो जाना चाहिए। गंदगी जितनी जल्दी साफ हो जाए अच्छा है। ताया सरकार, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो। अगर आप कहें तो मैं फाइक को बुलाता हूं ना, बिठाकर बात करता हूं, समझाता हूं उसको। एक दफा बात करने में क्या अर्ज है? बलात्, इज्जत और गैरत की जहां बात आए वहां समझना समझाना नहीं होता, वही करना होता है जो मैं करना चाह रहा हूं। फाइक से बात करना बेकार है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा, कुत्ते की दम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यही हाल फाइक का है। बेचारा फाइक कल अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देखेगा। ताया सरकार, सजना मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ।
ना।